मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य, आचार्य वाणी में आपका स्वागत है। आज का विषय हमारा है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए मई के अंतिम भाग में ग्रहों का योग आयोग किस प्रकार का बना हुआ है। मई के अंतिम भागों में यदि हम ओवरऑल देखें तो आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए कुछ अच्छे, कुछ थोड़े से ऊपर नीचे करने वाले योग भी बनाता दिखाई दे रहा है। देखिए, हर दिन अपने आप में एक नया दिन होता है और हर राशि के अनुसार से उन दिनों में कुछ खास बातें भी हमारे लिए बनी होती हैं, कुछ खास दिशाएं हमारे लिए सेट होती हैं। जिन रास्तों पर चलकर, जिन मार्गों पर चलकर हम अपने जीवन में लाभ के मार्ग ही प्रशस्त कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी रास्ते होते हैं जिन पर जाने से हमें कतराना चाहिए, जिनमें जाने से हमें बचना चाहिए। यही विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान है और वृश्चिक राशि वालों, आपको यही समझने की आवश्यकता है। देखिए, इन दिनों यदि हम समझें, आपकी राशि के स्वामी मंगल राहु के साथ युक्त होकर ग्रहों का योग आयोग बना रहे हैं, और यह युति जो है विशेष तौर पर राहु और मंगल की युति मंगल के साहस को कम करने का प्रयास कर रही है, और ऐसे में वृश्चिक राशि वालों के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राहु की युति यदि लग्नेश के साथ है, आपकी राशि के स्वामी के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बाहुबल में, आपके प्रबल में, आपके वर्चस्व में कहीं ना कहीं कमी लाने के योग बनते हैं। इसके साथ साथ बुद्धि के स्वामी बृहस्पति और साथ साथ शुक्र भी, दोनों के दोनों ग्रह देवगुरु दैत्यगुरु दोनों अस्त चल रहे हैं इस वक्त, और इन ग्रहों के प्रभाव से आज आने वाले समय में बाज़ार के अंदर विशेष तौर पर चांदी के संबंध में बात की जाए, सोने के संबंध में बात की जाए, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, गुड़ खांड इत्यादि, विशेष तौर पर मेवे इत्यादि, तेल इत्यादि, इन सब के यदि रुख को देखा जाए तो तेज़ी का योग बनता दिखाई दे रहा है, और इन सब का प्रभाव आपकी राशि में क्या पड़ेगा वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए। 21 तारीख की हम बात करें तो 21 मई को मंगलवार का अवसर है, वैशाख की त्रयोदशी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है। तुला राशि में चंद्रमा इस दिन चलने वाले हैं, और आपकी राशि के अनुसार से देखा जाए तो 12वें भाव में जाकर ये स्थित रहेंगे, और 12वें भाव के चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी की एंजाइटी मन में ना लाएं, अन्यथा कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। क्या करें इसके उपाय के लिए, बड़ा सुंदर दिवस है, छिन्नमस्तिका भगवती का सुंदर आराधना का अवसर है, उनकी जयंती है, रवि योग विद्यमान है, नरसिंह भगवान की जयंती है, और भगवान नरसिंह का पूजन करने से कहा जाता है कि पुरुषार्थ में विजय प्राप्त करने के योग बनते हैं, पुरुषार्थ में ज़्यादा अच्छा वर्चस्व स्थापित करने के लिए, यानी आपकी हिम्मत को ठीक करने में, और साथ साथ शत्रु पक्ष यदि हावी चल रहा है तब भी नरसिंह भगवान और छिन्नमस्तिका देवी का ध्यान करने से अननेसेसरी के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें विजय प्राप्ति के लिए वो बन जाते हैं, तो इसलिए इन मार्गों पर चले, देखिए कल्याण के योग बनेंगे। 22 तारीख का अवसर बुधवार का अवसर, और उस दिन चतुर्दशी उदय तिथि है, और ग्रह नक्षत्र उस दिन आपकी राशि के अनुसार से जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं कोई ना कोई आपको ध्यान रखना चाहिए। अननेसेसरी एग्रेसिवनेस, अननेसेसरी गुस्सा आपको कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर सकता है, तो उससे बचने का आपको प्रयास करें। और उस सूर्य के प्रभाव से आपकी राशि के अनुसार से देखा जाए तो बृहस्पति और शुक्र दोनों सप्तम भाव में विराजमान है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके सही विचार को आने में थोड़ी देर लगा रहे हैं। ऐसे में देखिए कूर्म जयंती है, भगवान विष्णु का स्तवन करें, कूर्म भगवान का सुंदर पूजन करें, तालाब में जाकर थोड़ा सा आटे की गोली इत्यादि डालने का प्रयास कीजिए, जहाँ कछुए इत्यादि हों उनका पूजन करने का प्रयास करें, ओम नमो नारायणा इस मंत्र का जप करें। देखिए इससे ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव भी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा। देखिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात को हमें समझना चाहिए, तिथि वार के अनुसार से जो वार इत्यादि के योग बन रहे हैं, उत्सव इत्यादि के योग बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को दूर करने के लिए योग बनते हैं, और ऋषि मुनियों ने इसी के अनुसार से इस शास्त्रों में, पुराणों में उनकी कथाओं को स्थापित किया है। उन कथाओं के माध्यम से हमको समझना चाहिए कि कौन से रास्ते हमारे लिए उपयुक्त हैं उपाय करने के तौर पर। आज बाजार में बहुत सारे लोग टोटके इत्यादि बहुत सारे अलग अलग बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके साथ पौराणिक मत, वैदिक मत की ज्योतिष के साथ लेकर आते हैं, और वो वास्तविक तौर पर आपके कष्टों को निवारण करने का सुंदर रास्ता आपको स्वयं प्राप्त होने के योग बनते हैं। 23 तारीख के दिन बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है, और ये पूर्णिमा बेहद खास है, बुद्ध पूर्णिमा का योग है, और साथ साथ सत्यव्रत इस दिन किया जाएगा। और एक और बहुत सुंदर अवसर है, वो है पीपल, जब आम तौर पे पीपल देखते हैं, पीपल की भी जयंती उस दिन मानी जाती है। संसार में पीपल सबसे पहले इसी दिन रोपित किया गया, और इसी दिन पीपल का उद्भव हुआ, और भगवान विष्णु स्वरूप पीपल का पेड़ कहा जाता है कि जिन राशियों के अनुसार से इस वक्त ग्रहों के प्रभाव ठीक नहीं चल रहे हैं, कष्ट के योग चल रहे हैं, तो उनको एक पीपल का पेड़ रोपित करने का प्रयास करना चाहिए शुभ तिथि में, और उस शुभ तिथि में और उसको धीरे धीरे पल्लवित करने का प्रयास करें जिनका मंगल खराब हो।
जिनके राशि में के अनुसार से शनि का अशुभ योग चल बना हुआ हो, शनि की 7.5 चल रही हो, उनको ये उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और ये पीपल जयंती के दिन लगाया हुआ पेड़ और उसको पूरे वर्ष तक, 1-2 वर्ष तक पालन पोषण करने से कहा जाता है कि शनि अनुकूल हो जाते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, महालक्ष्मी की साक्षात कृपा प्राप्त हो जाती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। सत्यव्रत इस दिन सुंदर विद्यमान है और ये सुबह 9:14 से आरंभ हो जाएगा। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये आपके लिए थोड़े क्षीण अवस्था में है, लेकिन फिर भी नए मोटिवेशन को उदय करने के योग बनाते दिखाई देंगे। भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे तो ग्रह का प्रभाव और सुंदर होगा और लाभ के योग बनेंगे। 24 तारीख का अवसर, शुक्रवार का दिन और ज्येष्ठ के महीने का आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह सुबह 10:09 तक विद्यमान रहेगा। ग्रहों का योगा योग आपके अनुकूल है। बृहस्पति चंद्रमा का सुंदर योग गोचर में आपकी राशि के अनुसार से बना हुआ है और ये आपको धन लाभ की तरफ कुछ आपके भाग्य को धन लाभ की तरफ प्रेरित करने के योग बना रहा है। और इसके दृष्टिकोण से हमें यदि समझें तो यदि सही समय, उपयुक्त समय पर कार्य करेंगे, शांत होकर काम करेंगे तो आपके लिए बड़ा सुंदर योग बन सकता है। गौ सेवा करें, इससे सुंदर लाभ प्राप्ति के और रास्ते बनेंगे, इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। भी 2-3 दिन आपके लिए ग्रह योग अच्छे दिखाई देते हैं। 25 तारीख का अवसर, शनिवार का दिन, द्वितीय तिथि विद्यमान है और आपके ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की सूचना देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ग्रह पॉजिटिव ही बनते दिखाई दे रहे हैं। धनु में चंद्रमा का आगमन हो जाएगा करीब 10:35 पर, वो भी आपके लिए अच्छे योग बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ाने के योग बनाता दिखाई देगा। यदि इस सुंदर तिथि पे माँ भगवती का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद लेकर कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें विजय प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इस दिन नारद जी की जयंती है, भगवान नारद का भी स्तवन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। महामुनि नारद जीवन में सदा अमर हैं और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। जीवन में हमारी जब भी शंकाएं होती हैं, उन शंकाओं का निवारण करने के लिए नारद जी ने समस्त पुराणों के अंदर जो कथाएं, जो विशेष तौर पर भगवान के साथ वार्तालाप उपस्थित किए हैं, वो सब के सब विवेचना करने से ज्ञात होता है, हमारे मनोमस्तिष्क को ठीक करते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा था, नारद जयंती के दिन इस बात को मैं अवश्य बताऊँ आप सब लोगों को, कि नारद जी ने भगवान विष्णु से एक बार पूछा कि भगवान आपका वास कहाँ है। तब भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, नाम वैसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्तिष्ठामि नारद। तो जहाँ भगवान का गायन होता है, भगवान का स्तवन होता है, उन्हीं के हृदय में भगवान साक्षात विराजमान होते हैं, उसी जगह पर विद्यमान होते हैं। तो भगवान का किसी ढूंढने के चक्कर में ना लगें, ना इधर ना उधर, बैठें और भगवान का भजन करें। देखिए सुंदर तरीके से नारद जयंती पर ये सुंदर उपदेश को आप जीवन में अनुग्रह करने का प्रयास करें। कल्याण हुआ। 26 तारीख की हम बात करें तो रविवार का अवसर है, तृतीय तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग जो दिखाता है वो चतुर्थी व्रत का योग दिखाता है। और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठकर धन के आगमन की सूचना देता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर आपको सुंदर उपाय भी करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन चतुर्थी व्रत है, गणेश जी का पूजन करें। और एक बात का ध्यान रखें, सुबह से भद्रा विद्यमान रहेगी जो 6:32 से लेकर शाम के करीब करीब 6:06 तक रहेगी। एक बात और, ज्येष्ठा नक्षत्र इस दिन विद्यमान है और ज्येष्ठा नक्षत्र होने के कारण से जो बच्चे जातक इस दिन जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य माता पिता को कराने का प्रयास करना चाहिए। ये एक अकाट्य प्रयोग है, आमतौर पर लोग भूल जाते हैं और फिर जीवन में कई प्रकार की परेशानियां जीवन में झेलनी पड़ती हैं। 27 तारीख के दिन बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान, जो चंद्रमा है वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर को करीब करीब 4 बजे के बाद। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से सुंदर अनुकूल वातावरण बनेंगे, जो आप कार्य करेंगे उसमें शाम के वक्त सफलता प्राप्त करने की सुंदर सूचना ग्रह नक्षत्रों की वजह से आपको प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इसलिए बड़े निष्ठाओं के सत्यनिष्ठ होकर काम करने का प्रयास करें, सुबह सुबह शिव का ध्यान करें और देखिए कहीं ना कहीं आपकी राशि के अनुसार से ग्रह भी दिखा रहे हैं कि शिव की आराधना से आपकी किस्मत जाग सकती है। 28 तारीख का अवसर मंगलवार और ये बेहद खास मंगलवार है, ज्येष्ठ के महीने में आने वाला मंगलवार है और कहा जाता है कि ज्येष्ठ के समस्त मंगल जो होते हैं वो बुढ़वा मंगल कहलाते हैं, वृद्ध मंगल कहलाते हैं, स्पेशल मंगल कहलवाते हैं। कहा जाता है कि ज्येष्ठ के मंगल के दिन ही भगवान हनुमान जी ने सबसे पहले भगवान राम का दर्शन किया था, उनका आशीष पाया था, उनकी सेवा का सुंदर योग उन्हें प्राप्त हुआ था। तो ऐसे में विशेष तौर पर इन बुढ़वा मंगलों पर सुंदरकांड का सुंदर पाठ करें, हनुमान चालीसा का स्तवन करें, इससे समस्त ग्रह नक्षत्र जो हैं जो अशुभ प्रभाव दे रहे हैं उनमें परिवर्तन का योग बनेगा, शुभ योग बनेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमने विवेकानंद योग आश्रम में सुंदर बुढ़वा मंगल के अवसर पर चारों मंगलों पर सुंदर कार्यक्रम रखा है, आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आपके
ग्रह शांति के लिए सुंदर कार्य रहेगा। मंगल और राहु की इस वक्त युति चली रही है, तो ऐसे में विशेष तौर पर हनुमान जी का जितना स्तवन होगा वो समस्त रूप से आपके लिए उत्थान के योग बनाने वाला है। आगे आने वाले में समय में बृहस्पति भी उदय हो जाएंगे, तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट समय आपके लिए है। आपके सप्तम में बैठे हुए बृहस्पति बड़ा सुंदर योग बनाएंगे, तो इसलिए हनुमान जी को पुरुषार्थ करने के लिए जो ग्रह इस वक्त राहु के ग्रास में है उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बहुत सुंदर अवसर है इस दिन, ये उपाय कुछ भी है कैसे भी है हनुमान जी का स्तवन अवश्य करें, समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। 29 तारीख का अवसर बुधवार का योग, षष्ठी तिथि विद्यमान है और विशेष तौर पर कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा। उससे पहले पहले चंद्रमा बृहस्पति के साथ कुछ सुंदर योग आपकी राशि के अनुसार से बना रहे हैं, लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। आनंद भाव से भगवान का स्तवन करेंगे तो बहुत सुंदर होगा। बृहस्पति भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और बृहस्पति की ये गति जो है विशेष तौर पर सूर्य से अपनी एक दूरी बनाने के सुंदर कार्य कर रही है। कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में बृहस्पति का ये प्रवेश जो हो रहा है ये आपकी राशि के अंदर आने वाले समय में परिवर्तन की सूचना आपको उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा के साथ मन का और अंतःकरण का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है, लाभ के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है, सुख का जीवन में पदार्पण करने का योग बन सकता है। ऐसे में गणेश जी का सुंदर स्तवन करें, गणेश जी का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, ये आपके लिए बड़ा उपयुक्त रहेगा। 30 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार, सप्तमी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों का योग आपकी राशि के अनुसार से ओवरऑल कहीं ना कहीं लाभ के योग बना सकता है, आपके सम्मान में इजाफा करने के योग बना सकता है। लेकिन अपने मनोमस्तिष्क को शांत रखें, सूर्य अननेसेसरी के लिए आपके क्रोध को की अग्नि को और बढ़ाता दिखाई दे रहा है और बृहस्पति और शुक्र इन दिनों अस्त चल रहे हैं, जब तक वो उदय ना हो तब तक थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। शांत कैसे हो सकते हैं, माँ भगवती और शंकर का उपासना करें, भगवान शंकर के प्रसाद से जीवन में शांति प्राप्त होती है और समस्त कष्टों का निवारण करने के लिए ओम नमः शिवाय का स्तवन, भगवान का रुद्राभिषेक ये कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। 31 तारीख का अवसर शुक्रवार की तिथि है, अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है और एक और ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है, वृषभ राशि में बुध का प्रवेश और ये बना देगा चतुर्ग्रही योग। और इस चतुर्ग्रही योग को यदि हम समझें तो आपकी राशि के सप्तम भाव में एक चार ग्रह एक साथ होकर बैठ गए हैं और ये चारों ग्रहों का एक साथ होकर बैठना आपकी राशि के अनुसार से बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। इन दिनों चतुर्ग्रही योग जो है विशेष तौर पर ये समझ लीजिए कई बार मनोमस्तिष्क में हार का सामना करता है, ऐसे भाव उत्पन्न कर देता है कि छोड़ो छाड़ो संसार के अंदर कुछ नहीं रखा है, आपके सप्तम भाव में है और छोटे छोटे कारण से एक मनोमस्तिष्क में ऐसा विवाद उत्पन्न कर देता है, ऐसी चीज़ें उत्पन्न कर देता है कि सही दिशा हमें ज्ञात नहीं होती। मन करता है छोड़ो संसार को, संसार बड़ा निरस है, संसार से निरसता जागती दिखाई देगी। ये थोड़ा क्षणिक वैराग्य है, इसमें ज़्यादा लिप्त मत होइएगा। बृहस्पति परिवर्तन होते ही उदय होते ही आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रभाव उत्पन्न करने वाला है और ये हार जो है जो लगातार आपके सर मुंडाते ओले पड़ रहे हैं ये बहुत जल्दी परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं। चिंता ना करें, ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत जल्दी जा रहे हैं और बहुत सुंदर जा रहे हैं और शुक्रवार का अवसर है, गौ सेवा यथोचित भाव से करने का प्रयास करें। ये सब यश हानि जो है, ये जो हानि इत्यादि ये सब क्षणिक है, चिंता न करें, परिवर्तन का योग बहुत जल्दी बनने वाला है। ज्योतिष वो विज्ञान है जो हमें भविष्य की ओर दिखाता है, समझाता है कि आने वाले समय में हमारे भविष्य में क्या कुछ घटने के योग हैं और उसके साथ साथ निदान का रास्ता भी बताता है, बीच में मझधार में छोड़ता नहीं है। यदि ज्योतिष विज्ञान की सहस्त्रों शाखाओं को हम समझ लें, चाहे वो ज्योतिर्विज्ञान है, चाहे वो ग्रह नक्षत्र विज्ञान है, चाहे वो नक्षत्र के अनुसार से, चाहे वो हस्तरेखा विज्ञान है, चाहे वो सामुद्रिक शास्त्र है, उन सब के माध्यम से आप जीवन में चल रहे समय को, समस्याओं को समझने में एक रास्ता प्राप्त कर सकते हैं किस कारण से हुआ। इसके बाद निदान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निदान ही है, रेमेडियल एस्पेक्ट जो है, आप किसी चीज़ को डायग्नोज कर लें उसके बाद उसका रेमेडियल एस्पेक्ट ना समझ पाएं, लेकिन रेमेडीज़ को एक्सपेक्ट करने के लिए बहुत सारा हमको सही मार्ग में भी चलने की ज़रूरत है और सही मार्ग जो है वो वेद पुराण उपनिषद माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है वही होता है। उसी को समझते हुए भारतीय ज्योतिष विदों ने पंचांग का निर्माण किया, उसमें तिथियों का निर्माण किया, तिथियों के साथ साथ विभिन्न योगा योग के बारे में बताया, विभिन्न उत्सवों को साथ में जोड़ा, जिससे पौराणिक मत के अनुसार से उन रहस्यों को उन कथाओं के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि किस कार्य को करने से कैसे हम अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। जैसे अभी एक शनि जयंती पर्व आ रहा है, आने वाले समय में शनि जयंती वो पर्व है, विशेष तौर पर कहा जाता है कि शनि आम तौर पर जीवन में कई कष्ट देने के योग देता है, लेकिन शास्त्र में यदि शनि स्तोत्र को सुने तो उसके अंदर एक लाइन आती है, तुष्टो ददासि वै राज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। लेकिन अब समस्या यह है कि यानी जब शनि प्रसन्न हो जाए तो बहुत बिल्कुल एक क्षण के अंदर राज्य दे दें और यदि अनिष्ट करने रुष्ट हो जाए तो सब कुछ अनिष्ट कर दें एक सेकंड में,
रुष्टो ददासी, तुष्टो ददासी वैराजम रुष्टो हरसी तत्क्षणात्, एक क्षण के अंदर ही सब हरणे। अब इसको ठीक करने के लिए शास्त्र में क्या, शनि को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपनिषद इत्यादि में बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं। शनि जयंती के बारे में हम भी बात कर रहे हैं, तो आने वाले शनि जयंती के अवसर पर ऐसे विशेष तौर पर योग बनते हैं। लेकिन आज समस्या क्या होगी कि शनि के लिए बहुत सारे लोग तेल पे तेल, तेल पे तेल दान करने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं, और जाके शनि को स्नान करने के लिए तेल पर तेल, दस दस की तीन तीन, बीस बीस, एक तो ऐसे ज्योतिषी महाराज के या टीवी पे आके बोल रहे थे कि 100 टीन शनि पे चढ़वा दीजिए, और बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ शनि की हमने स्थापित करवा दी हैं लोगों की। शनि को बड़ा करने से नहीं, हम अपने विशेषतर शनि को तो छोटा करने की ज़रूरत है। शनि को जितना बड़ा करके बनाएंगे ना, शनि उतना ज़्यादा व्यापक अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा। शनि को छोटा करें, शनि की मूर्तियाँ शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं की गई हैं। शास्त्र के अनुसार से तो प्रधान देवताओं की उपासना करने की विधान बताए गए हैं, शिव का, सूर्य का, विष्णु का, दुर्गा का, गणेश का, इन्हीं के रूप में देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाता है, और उनके द्वारा ही मार्ग प्रशस्त होता है। जितने शिव के अंश हैं उन सब के अनुसार से उनको पूजन करने का प्रयास करें। अभी शनि जयंती की आज जो आ रही है, उस दिन हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा कि हम कई सालों से ये व्यवस्था चलती है कि शनि जयंती के दिन आप सबसे श्रेष्ठ काम करें, क्योंकि हनुमान जी को शनि का आशीर्वाद जब से मिला कि जो हनुमान जो भक्त होंगे शनि उनको कभी नष्ट नहीं देंगे, शनि कभी भी उनका अनिष्ट नहीं करेंगे। तो हमने इस आने वाली 6 जून को जो शनि जयंती है, उस दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के विवेकानंद आश्रम में रखे, आनंद भाव से 8 घंटे तक ये सुंदर कार्यक्रम चलेगा। शनि ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा, और इन सब विभिन्न मंत्रों का, शनि के स्तोत्रों का, शनि की नामावली का, शनि के वैदिक मंत्रों का, सबका उसके अंदर समाविष्ट करके सुंदर तरीके से यज्ञ किया जाएगा। और उस दिन आप सब भी अपने शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, कनिष्ठ को दूर करने के लिए सुंदर तरीके से यज्ञ में पधार सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से यह है निदान का तरीका। निदान सरलता से किया जाए, आनंद भाव से, भक्ति से किया जाए, और जहाँ भक्ति होगी, विश्वास होगा, उस कष्ट का निवारण करना बड़ा आसान होगा, आनंद भाव से होगा। तो आप चीज़ों को समझते हुए और सब कार्य करते हुए यदि इन सब भक्ति भाव के माध्यम से, दान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से ग्रहों का निदान करेंगे, तो वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और ऐसे में एक बात और समझें कि जो हम कई बार ज्योतिष के माध्यम से हर बार हम आपके साथ रहते हैं, ये हम गोचर के प्रभाव को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ग्रहों का परिवर्तन गोचर में किस प्रकार से हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री जो एक मुख्य विषय है, गोचर में तो ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व में एक से हो रहा है, लेकिन उन सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा जो जिस लेवल पर है। आप समझें कि एक छोटा व्यक्ति है, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, तो उसके अनुसार से ग्रह का प्रभाव होगा। एक वही व्यक्ति जो है, उसी प्रकार का व्यक्ति बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ, तो उस पर अलग प्रभाव होगा। यानी जिस प्रकार के लेवल पर आप हैं, जन्मपत्री जिस प्रकार की आपकी है, जब जन्म समय है उसके अनुसार से ग्रह योगों को आपका योग बना हुआ है, उसके अनुसार से गोचर का प्रभाव आपको समझने को, देखने को मिल सकता है। तो उन सबको समझें, तो इस प्रकार से अपनी जन्मपत्री का चिंतन, विशेष तौर पर गहन अध्ययन अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए, तभी आपको वास्तविक तौर पर चीज़ों का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा कि किस प्रकार को समय को जानने को मिलेगा कि कौन सा समय हमारे लिए अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति आए और उनकी राशि स्पेसिफिकली थी, और राशि में गोचर में प्रभाव अच्छा खासा बन रहा था, लेकिन उस प्रभाव से पहले ही उनकी दशा महाराज एक विशेष तौर पर ग्रह की परिवर्तन की आई, और उस परिवर्तन के ग्रह के कारण से वो इतने बड़े गड्ढे में चले गए कि करोड़ों रुपए उनके पहले ही जा चुके थे। तो वो समझे कि मतलब हमने अध्ययन गोचर को तो समझने का प्रयास किया, गोचर के बाद उस काफ़ी ज़्यादा नीचे के आने के बाद उन्होंने रिकवरी भी बहुत कर ली ग्रह पर गोचर के परिवर्तन से। लेकिन आप समझो कि मूल को, जन्मपत्री को समझना बहुत ज़रूरी है। मूल जन्मपत्री को समझकर वास्तविक तौर पर हम समझ सकते हैं कि ग्रहों की अवस्था वास्तविक तौर पर आपके लिए गोचर में किस लेवल का प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। इसके लिए आप विशेष तौर पर इन सब विषयों को अच्छे समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लगातार पिछले करीब करीब 60-70 सालों से सुंदर कार्य, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अध्यात्म के क्षेत्र में, विशेष तौर पर ज्योतिष के क्षेत्र में, पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हम लोग, और हमारे आश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों में शोध कर विभिन्न प्रकार से हमने विभिन्न पुस्तकों का निर्माण किया है, और विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है, और विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों पर रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में कार्य अब भी कर रहा है। यज्ञ के क्षेत्र में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। तो आप सब भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं और बहुत सारे कार्य का लाभ ले सकते हैं। हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार के यज्ञ में सादर आप सब लोग आमंत्रित हैं, और इस जेठ के महीने में हर मंगलवार पर
सुंदर कांड का सुंदर पाठ रहेगा, मंगल ग्रह शांति यज्ञ रहेगा, शनि जयंती का अवसर आएगा, उसमें शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहेगा। तो आप सब इन समस्त कार्यक्रम में सम्मिलित हों, आप भगवान प्रसन्न होंगे आप पर और कष्टों को दूर करने का योग बनाएंगे।